हे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हर्ष एंड आप सभी लोग का स्वागत है यार हमारी एक और न्यू शानदार वीडियो में, जहां आज हम लोग जो है गाइस बात करने वाले हैं सबसे थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग जेनर के बारे में, जॉम्बी सर्वाइवल गेम्स। तो दोस्तों, अगर आप लोग को सर्वाइवल एक्शन और एड्रेनलिन रश पसंद है तो आप बिल्कुल यहाँ पे सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यार आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट जॉम्बी सर्वाइवल गेम्स फॉर पीसी। अक्सर गेम्स यार बहुत ही कमाल के हैं, उनको प्ले करने में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाली है। तो वो कौन से 10 गेम्स हैं यार, उनके बारे में जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा 10th नंबर पे गेम आता है वो है डेड आइलैंड 2। ये एक एक्शन पैक्ड जोम्बी सर्वाइवल गेम है जिसको डेवलप किया है डम्पस्टर स्टूडियोज ने। ये गेम सनी कैलिफोर्निया के बैकड्रॉप में सेट है, जहाँ एक डेडली वायरस ने लोगों को जोम्बीज में बदल दिया है। तो यहाँ पे आप लोग को जो एक सर्वाइवर का रोल प्ले करना है, जिसे सिक्योरिटी वर्ल्ड में जिंदा रहना है हॉर्स और जोम्बीज के अगेंस्ट फाइट करके। गेम के कॉम्बैट सिस्टम की बात करें यार तो काफी सेटिस्फाइंग और ओवर द टॉप है, जहाँ आप लोग को मिली वेपन से लेके फायर आर्म्स तक सब कुछ यूज करने का मौका मिलता है, और हर वेपन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो फॉर मोर डैमेज। एंड यहाँ जॉम्बीज के डिफरेंट टाइप्स आपके अगेंस्ट आते हैं, जिससे हर इनकाउंटर चैलेंजिंग बनता है। और इस गेम में एक्सप्लोरेशन और लूटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ आप वेपन्स और सप्लाइज ढूंढते हो ताकि आप सर्वाइवल चांसेस बढ़ा सको। और गेम का ज़्यादा फोकस यार एक्शन और फन पर है, विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर एंड स्टाइलिश स्किल, जिससे आप लोग को जो टिपिकल सर्वाइवर हॉरर गेम्स का फील मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को जॉम्बीज के अगेंस्ट फुल ऑन एक्शन और थोड़ा ह्यूमर पसंद है तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 9th नंबर पे गेम आता है वो है डेज गॉन। ये एक एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल गेम है जिसे डेवलप किया है बेंडी स्टूडियोज ने। ये गेम एक पोस्ट अपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में सेट है, जहाँ आप डेक्कन सेंट जोन का रोल प्ले करते हो, जो एक एक्स बाइकर और ड्रिफ्टर है, जहाँ आप लोग को फ्रीकर्स के खिलाफ सर्वाइव करना होता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप लोग को जो है अपने पास्ट से भी डील करते हुए अपनी लॉस्ट वाइफ सारा को ढूंढने का मिशन भी कंप्लीट करना होता है। गेम का जो ओपन वर्ल्ड यार ओरिगॉन, वो काफी ब्यूटीफुली और डेंजरस लैंडस्केप से भरा हुआ है, जहाँ आप बाइक से राइड कर सकते हो, रिसोर्सेज कलेक्ट करते हो और अपने वेपन्स को अपग्रेड करते हो। और गेम के कॉम्बैट सिस्टम की बात करें यार तो काफी इंगेजिंग है, जहाँ आप लोग को स्टेल्थ, मिली अटैक्स और गन प्ले का यूज करके एनिमीज को डिफीट करना होता है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट है फ्रीकर्स हॉर्स, जो बड़े ग्रुप में आपको चेस करते हैं। और गेम की स्टोरी की बात करें यार तो इमोशनल और इंटेंस है, जो सर्वाइवल, लॉस और होप के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को सर्वाइवल एक्शन गेम्स पसंद है तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 8th नंबर पे गेम आता है वो है डेड राइजिंग 3। ये एक ओपन वर्ल्ड जॉम्बी सर्वाइवल गेम है, इसको कैपकॉम वैनक्यूवर ने डेवलप किया है। इस गेम का मेन फोकस है ओवर द टॉप एक्शन, क्रेजी वेपन्स और एक मैसिव जॉम्बी इन्फेस्टेड सिटी लॉस पैटिडोस में, जहां आपको जिंदा रहना होता है, जहां आप निक रोमस का रोल प्ले करते हो, एक मैकेनिक जो जॉम्बी आउटब्रेक के बीच में अपने आप को बचाने और दोस्तों के साथ एस्केप करने की कोशिश करता है। इस गेम का बिगेस्ट हाईलाइट है इसका क्राफ्टिंग सिस्टम, जिसमें आप ऑलमोस्ट हर चीज को एक वेपन बना सकते हो, फ्रॉम चैन सॉस और हैमर से लेके कुछ फनी और यूनिक कॉम्बिनेशन तक, जैसे एक इलेक्ट्रीफाइड स्लेज हैमर या फिर फायर स्पिटिंग मोटरसाइकिल। और गेम में आप लोग को कॉन्स्टेंटली न्यू वेपन्स क्रिएट करने होते हैं और हॉर्ड्स ऑफ जॉम्बी से फाइट करते हुए मिशन कम्प्लीट करने होते हैं। और गेम का ओपन वर्ल्ड यार काफी बड़ा है, और आप लोगों को व्हीकल्स का यूज करके फास्ट ट्रैवल करना होता है। और गेम का हर मिशन के साथ यहाँ पे एक टाइम लिमिट होता है, जो गेम को थोड़ा चैलेंजिंग और इंटरेस्ट बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हाई एक्शन जॉम्बी गेम्स पसंद है, जिसमें क्रेजी कॉम्बैट और वेपन क्राफ्टिंग का मजा हो, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 7th नंबर पे गेम आता है वो है बैक फॉर ब्लड। ये एक एक्सेलरेटिंग कॉपी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, जिसमें आप एक ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स का रोल प्ले करते हो, जो जॉम्बीज अपोकैलिप्स से बचने की कोशिश करते हैं। इस गेम में आप लोग को इंटेंस एक्शन और स्ट्रेटेजिक टीमवर्क का मजा मिलेगा। जहां गेम के गेम प्ले की बात करें यार तो काफी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को हॉर्ड्स ऑफ अनडेड क्रिएचर्स, जिन्हें रिडन के नाम से जाना जाता है, उनका सामना करना पड़ता है। और गेम में जो है गाइस, आप लोग को इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन का इस्तेमाल करते हुए मिशंस कंप्लीट करना होता है, क्योंकि सर्वाइवल सिर्फ अकेले करने से नहीं होता है। और गेम के विजुअल्स की बात करें यार तो काफ़ी स्टनिंग और इमर्सिव है, जो आप लोग को एक एड्रेनलिन फ्यूल्ड एक्सपीरियंस देते हैं, जब आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। और गेम का एटमोसफेयर और साउंड डिजाइन आपको एक ट्रूली टेरिफाइंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देते हैं। और इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को कई तरह के वेपन्स, पर्क्स और कैरेक्टर एबिलिटीज मिलते हैं, जो आपको एनिमीज को हराने में मदद करते हैं। और आपको जो है हर मिशन में अपने स्किल्स और स्ट्रेटजीज का यूज़ करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कोऑपरेटिव गेम प्ले, फास्ट पेस्ड एक्शन और इंटेंस कॉम्बैट पसंद है तो बैक फॉर ब्लड आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 6th नंबर पे गेम आता है वो है प्रोजेक्ट ज़ोम्बॉइड। ये एक हार्डकोर आइसोमेट्रिक जॉम्बी सर्वाइवल गेम है, इसको इंडी स्टोन ने डेवलप किया है। ये गेम काफ़ी रियलिस्टिक और चैलेंजिंग है, जहां आप लोग को एक जॉम्बी आपको क्लैप्स के बीच में जिंदा रहना होता है,
और गेम का मोटो है यार दिस इज हाउ यू डाई, जो कि बताता है कि सर्वाइवल यहाँ इतना आसान नहीं होने वाला है। इस गेम का फोकस डीप सर्वाइवल मैकेनिक्स पर है, जहाँ आपको हंगर, थ्रस्ट, फटीग और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। और गेम में आप लोग को रिसोर्सेज स्कैवेंज करने होते हैं, वेपन्स और टूल्स क्राफ्ट करने होते हैं और अपने आप को ज़ॉम्बीज के हॉर्ड से बचाना पड़ता है। और गेम में आप लोग को एक सिक्योर बेस बिल्ड करना होता है, जिससे आप रीइन्फोर्स भी कर सकते हो। और गेम में ज़ॉम्बीज के साथ साथ आपको डिसीज, इंजरीज और इवन लोनलीनेस से भी फाइट करना पड़ता है, जो गेम को और ज़्यादा चैलेंजिंग और इमर्सिव बनाता है। और गेम के मल्टीप्लेयर मोड में आप अपने दोस्तों के साथ टीम वर्क करके जो है सर्वाइव करने का प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को जो है हार्डकोर सर्वाइवल पसंद है, जहां आपके डिसीजंस मैटर करते हो, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहां पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पे गेम आता है वो है DayZ। ये एक हार्डकोर ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है, जिसको डेवलप किया है बोहेमिया इंटरैक्टिव ने। इस गेम का कंसेप्ट सिंपल है, जहाँ आप लोग को एक पोस्ट अपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज और हॉस्टाइल प्लेयर्स के बीच में ज़िंदा रहना होता है। लेकिन इस गेम में सर्वाइवल इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को हंगर, थ्रस्ट और हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, और साथ ही रिसोर्सेज कलेक्ट करने होते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होता है। गेम का फोकस रियलिज्म पर है, जहाँ आपको स्कैवेंजिंग करते हुए फूड, वाटर, वेपन्स और मेडिकल सप्लाईज ढूंढने पड़ते हैं। और ज़ॉम्बीज के साथ साथ आपको दूसरे प्लेयर से भी डेंजर होता है, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते हैं कि वो फ्रेंडली होंगे या फिर हॉस्टाइल। और गेम में जो है कई परमानेंट सिस्टम है, जिससे अगर आप मर जाते हो तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है, जो गेम को और ज़्यादा चैलेंजिंग और इंटेंस बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हार्डकोर सर्वाइवल गेम्स पसंद है, जहाँ एक गलती काफ़ी महंगी पड़ सकती है, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम आता है वो है स्कम। ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है, जिसको डेवलप किया है गेम पायर्स ने। ये गेम एक टीवी रियलिटी शो के सेटअप में है, जहां क्रिमिनल्स को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है और उन्हें वहां सर्वाइव करना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ ज़ॉम्बी से बचने का गेम नहीं है, स्कम अपने रियलिस्टिक सर्वाइवल मैकेनिक्स और डीप कैरेक्टर कस्टमाइजेशन के लिए फेमस है। जहां इस गेम का फोकस यार हार्डकोर सर्वाइवर पर है, जहां आप लोग को अपने कैरेक्टर के मेटाबॉलिज्म, हंगर, हाइड्रेशन और इवन विटामिन और मिनरल्स का ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा आपको क्राफ्टिंग और कॉम्बैट सिस्टम भी मास्टर करना होता है, और आप जो है यहाँ पे वेपन्स और टूल्स भी बना सकते हो और अपने बेस को बिल्ड और रीइन्फोर्स कर सकते हो, ताकि दूसरे प्लेयर्स और ज़ॉम्बी से बचे रहो। और इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को एक मैसिव ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर करना होता है, जहाँ हर एरिया अपने यूनिक चैलेंजेस और रिसोर्सेज ऑफर करता है। और गेम का मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट भी काफ़ी इंगेजिंग है, जहां आप दूसरे प्लेयर्स के साथ या गेम्स खेल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हार्डकोर सर्वाइवल गेम्स पसंद है, जहां आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहां पे जो हमारा थर्ड नंबर पर गेम आता है वो है स्टेट ऑफ डिके 2। ये एक ओपन वर्ल्ड ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है, जिसको अनडेड लैब्स ने डेवलप किया है। इस गेम का फोकस सिर्फ ज़ॉम्बी से फाइट करने पर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करने और रिसोर्सेज मैनेज करने पर भी है, जहां आप लोग को एक टीम ऑफ सर्वाइवर्स बनानी पड़ती है और उनके लिए एक सेफ बेस इस्टेब्लिश करना होता है, जहां आपको फूड, मेडिकल सप्लाईज और वेपन्स का ध्यान रखना पड़ता है। जहां गेम का कोर गेम प्ले सर्वाइवल और स्ट्रेटजी का कम्बिनेशन है, जहां आप अपने कम्युनिटी के मेंबर्स को मिशंस पर भेजते हो, सप्लाईज कलेक्ट करते हो और उनको ट्रेन करते हो, ताकि उनका सर्वाइवल चांस बढ़ सके। और गेम में जो है हर सर्वाइवर यूनिक होता है, उनकी स्किल्स और एबिलिटीज भी डिफरेंट होती हैं, जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और ज़ॉम्बीज के साथ साथ आपको दूसरे हॉस्टाइल ह्यूमन से भी डील करना पड़ता है, जो कभी रिसोर्सेज लूटने की कोशिश करते हैं। और गेम में परमानेंट सिस्टम है, जिसमें अगर कोई सर्वाइवर मर जाता है तो वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है, जो गेम को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को बेस बिल्डिंग, रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम्स पसंद है, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर पे गेम आता है वो है वर्ल्ड वॉर जेड। ये एक इंटेंस कोपी ज़ॉम्बी शूटर गेम है, जिसको डेवलप किया है सेबर इंटरेक्टिव ने। ये गेम वर्ल्ड वॉर जेड मूवी और नॉवेल से इंस्पायर्ड है, जिसमें आपको हाई स्पीड ज़ॉम्बी हॉर्ड्स के अगेंस्ट फाइट करना होता है। और गेम का फोकस फोर प्लेयर कोपी एक्शन पर है, जहां आप और आपकी टीम को ज़ॉम्बीज के मैसिव स्वार्म से बचना होता है। इस गेम में आप लोग को गाइस डाइवर्स लोकेशन देखने को मिलती हैं, जैसे न्यूयॉर्क, मॉस्को और टोक्यो, जहां हर लेवल में आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने होते हैं। और वेपन्स का भी काफ़ी बड़ा आर्सनल होता है, जिससे आप ज़ॉम्बीज को मो डाउन कर सकते हो और ट्रैप्स और डिफेंसेस का यूज़ करके वेव्स ऑफ एनिमीज को रोकते हो। और गेम का गेम प्लेयर काफ़ी फास्ट पेस्ड है और टीम वर्क क्रिटिकल है सर्वाइवल के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कोपी ज़ॉम्बी शूटर्स और थ्रिलिंग एक्शन गेम्स पसंद हैं, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर पे गेम आता है वो है Dying Light 2 Stay Human। ये एक ओपन वर्ल्ड एक्शन RPG गेम है, जिसको टेकलैंड ने डेवलप किया है। ये गेम एक मैसिव ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड सिटी में सेट है, जहां आप लोग को पार्कर और कॉम्बैट स्किल्स का यूज़ करके ज़िंदा रहना पड़ता है।
जहाँ गेम का यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसका डायनेमिक डे नाइट साइकिल और इंटेंस पार्कर गेम प्ले, जिसमें आप बिल्डिंग्स के ऊपर से फ्लाई करते हो और ज़ॉम्बीज़ को डॉज करते हो। इस गेम में आप एडेन का रोल प्ले करते हो, जो एक इन्फेक्टेड सर्वाइवर है जो अपने पास का राज जानने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश में है। जहाँ स्टोरी लाइन डिसीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके चॉइसेस से पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाता है और डिफरेंट फैक्शंस के साथ अलायंसेस बनाना या उनके अगेन जाने का इम्पैक्ट पूरे सिटी पर पड़ता है। और गेम का कॉम्बैट काफ़ी फ्लूड और फन है, जहां आप मिली वेपन्स, पार्कर मूव्स और क्राफ्टिंग का यूज़ करके ज़ॉम्बीज़ और हॉस्टाइल ह्यूमंस को टेक डाउन करते हो। और गेम के नाइट मिशन स्पेशली इंटेंस होते हैं, क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज़ और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और ये गेम का थ्रिल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को एक्शन पैक जॉम्बी सर्वाइवल और पार्कर ड्रिवन गेम प्ले पसंद है तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। सो गाइस, ये थे हमारे आज वीडियो के टॉप 10 जॉम्बी सर्वाइवल गेम्स फॉर पीसी। तो ये गेम्स यार आप लोग को कैसे लगे एंड आप लोगों ने कौन कौन से गेम्स वाले खेल रखे हैं एंड कौन सा गेम जाके ट्राई मारने वाले हो वो मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बताना। एंड आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कॉमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं यार आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।